राजस्थान के इस मंदिर पर है आज तक एक साधु के श्राप का साया। रात को रुकने वाला बन जाता है पत्थर का बुत। भारत समेत दुनिया भर में कई ऐसी जगहें हैं जिनका रहस्य लोगों को आश्चर्यचकित करता है। इनको लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक है राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू मंदिर की कहानी। मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद इस मंदिर में कोई नहीं रुकता। रात में जो भी यहाँ ठहरता है वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। किराड़ू मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है। ये मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। इसे चमत्कार कहा जाए या फिर मान्यताओं को आंख मूंद कर मानने की प्रथा या फिर अंधविश्वास, पर इस मंदिर में सूर्यास्त के बाद कोई नहीं रुकता। ढलते सूर्य के साथ यहाँ से लोगों का जाना भी शुरू हो जाता है। इसके पीछे एक दिलचस्प प्राचीन कहानी है। माना जाता है कि शताब्दियों पहले इस मंदिर को विराट कूप के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर की 5 श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से शिव मंदिर और विष्णु मंदिर ही ठीक अवस्था में हैं। बाकी के मंदिर रखरखाव के अभाव में खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में किया गया, लेकिन माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण गुप्त वंश में हुआ हो। अब सवाल उठता है कि किराड़ू मंदिर में रात में लोग क्यों नहीं रुकते हैं। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में एक सिद्ध साधु अपने शिष्यों के साथ घूमने आए थे। वो शिष्यों को मंदिर में छोड़कर भ्रमण करने चले गए। इस बीच मंदिर में रुके शिष्यों में से एक की तबीयत खराब हो गई। बाकी के शिष्यों ने आसपास रहने वाले ग्रामीणों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की थी। सिद्ध साधु जब लौटे तो उन्हें घटना के बारे में बताया गया। इससे साधु क्रोधित हो गए और ग्रामीणों को श्राप दे दिया। उन्होंने अपने श्राप में कहा था कि सूर्यास्त होते ही सारे गांव वाले पत्थर में बदल जाएंगे। इस मंदिर के बारे में एक और लोक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि बीमार शिष्य की एक महिला ने सहायता की थी। साधु ने उस महिला को गांव छोड़कर जाने को कहा था, साथ ही पलट कर गांव की ओर न देखने की हिदायत दी थी। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद वो महिला अपने आप को रोक नहीं पाई और उसने पलट कर देख लिया। इसके साथ ही वो पत्थर की मूर्ति बन गई। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते सूर्यास्त होने के बाद दूर दूर तक मंदिर के पास कोई नहीं जाता। तो अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब हमारी अगली वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।